नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर महदलक्ष्मी रामदास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक के रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पर। तो हमने पिछले हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि डेडलॉक होता क्या है और डेडलॉक की सिचुएशन कैसे निर्मित होती है। डेडलॉक की सिचुएशन जब निर्मित हो जाती है तो हमने देखा था डेडलॉक डिटेक्शन की, देखा था कि डेडलॉक को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो डेडलॉक डिटेक्ट करते समय हमने देखा था कि उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने देखा था डेडलॉक की जो नेसेसरी कंडीशंस होती है, किस सिचुएशन में डेडलॉक की कंडीशन उत्पन्न होती है, उसके लिए जो फोर नेसेसरी कंडीशन है उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और देखेंगे किस प्रकार से प्रोसेस और रिसोर्स के बीच में ग्राफ बनता है और किस प्रकार से एक प्रोसेस एक दूसरा रिसोर्स को डिमांड करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसका पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे कहते हैं हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, यानी कि प्रोसेस और रिसोर्स का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसे हम कहेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इसको हम रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। ए रिसोर्स एलोकेटेड ग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम के एलोकेशन रिसोर्स एलोकेशन जो ग्राफ होती है उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करता है, किस प्रकार से वो इस सिस्टम पर आगे बढ़ता है, स्टेट ऑफ आर्ट्स को आगे बताता है। एज इट नेम सजेस्ट, इसके नेम के अनुसार द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेस विच आर होल्डिंग सम रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर सम रिसोर्सेज। जिस प्रकार से इसके नाम से जाना जा रहा है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के पास पूरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा कि कौन सी प्रोसेस कौन सी रिसोर्स को होल्ड किया है और किस रिसोर्स का वो वेट कर रहा है। यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से प्राप्त होगा, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के द्वारा प्राप्त होगा। इट ऑल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द स्टेट्स ऑफ ऑल रिसोर्सेज वेदर दे आर अवेलेबल आर बींग टू यूज बाई द प्रोसेस। ये और इसके अलावा ये जितने सारे भी रिसोर्स और प्रोसेस है उनके इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन को भी, यानी कि प्रत्येक इंस्टेंस जितने सारे भी है उन सब की डिटेल इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता है या कंटेन करके रखता है, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे पास कितने प्रोसेस है, कितने रिसोर्सेज है और कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्सेज के लिए लोकेटेड है, कौन सा प्रोसेस किसके लिए रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, कौन सा असाइन है। ये कंप्लीट पूरा इंफॉर्मेशन जो होती है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के पास कंटेन करके रहता है, उसके अंदर रहता है, जिसे हम समझ सकते हैं। इन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाई ए साइकिल वाइल ए रिसोर्स रिप्रेजेंटेशन बाई ए रेक्टेंगल। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाई द साइकिल। यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में प्रोसेस को हम सर्कल से तथा रिसोर्स को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हम पिक्चोरियल देखेंगे तो यहाँ पर ये जो P1 जो सर्कल है वो प्रोसेस को बतलाएगा और रेक्टेंगल जो है किसको बतलाएगा, रिसोर्स को बतलाएगा। यहाँ पर PI इज द प्रोसेस दैट वेटिंग फॉर द रिसोर्स ऑफ RJ। यहाँ पर PI इज द एक्सेप्टेड रिसोर्स बाय RJ। यहाँ पर P1 जो है किसका कर रहा है, वेट कर रहा है किसका, रिसोर्स RJ का। और यहाँ पर सेकेंड जो डायग्राम है इसमें हम देख रहे हैं कि रिसोर्स RJ अलॉटेड हो गया है P1 का। तो यहाँ पर एरो का साइन देखिए, अगर प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रहा है दैट मीन्स दे आर वेटिंग, प्रोसेस जो है रिसोर्स का वेट कर रहा है, और अगर रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जा रहा है इसका मतलब यह है कि वह उसे अलॉट कर दिया है, वह रिसोर्स उस प्रोसेस के लिए अलॉटेड है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के माध्यम से हम पिक्टोरियल डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि पहला चीज कि जो पूरी इंफॉर्मेशन है रिसोर्स की वो सारा चीज कंटेन करके रखता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, और हम तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स के लिए और कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस के लिए। ये सारे चीज़ों को समझने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में प्रोसेस को सर्कल से तथा रेक्टेंगल के द्वारा रिसोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है।
रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के द्वारा हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, जैसे कि वो पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सारे प्रोसेसों का, और दूसरा इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन कि प्रोसेस जो है जिस रिसोर्सेज क्या डिमांड कर रहा है वो रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं है, इस प्रकार की सारी जानकारी हमें रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के द्वारा प्राप्त हो जाती है। देखते हैं यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आल्सो कंटेन ए वर्टाइसेस एंड एजेस। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है वर्टाइसेस और एजेस जो होते हैं वो कंटेन करके रखता है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के दो वर्टाइसेस होते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को हम कह सकते हैं कि उसके पास वर्टाइसेस और एजेस के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के दो वर्टाइसेस होंगे। पहला जो वर्टाइसेस होगा वो होगा प्रोसेस वेक्टर्स और दूसरा होगा रिसोर्स। तो वेक्टर्स आर मेनली टू टाइप्स, कौन कौन से है, पहला है रिसोर्स और दूसरा है प्रोसेस। ईच ऑफ देम विच रिप्रेजेंट बाय द डिफरेंट शेप, सबको अलग अलग डिफरेंट शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर्कल रिप्रेजेंट द प्रोसेस वाइल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द रिसोर्स, जिसमें यहाँ पर जैसे प्रोसेस है, प्रोसेस को सर्कल से और रिसोर्सेस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की जो होती है वो दो वर्टाइसेस होते हैं, प्रोसेस और रिसोर्स। ए रिसोर्स कैन हैव मोर देन वन इंस्टेंस, एक रिसोर्स के एक से अधिक इंस्टेंस हो सकते हैं। ईच इंस्टेंस विल रिप्रेजेंट बाय डॉट इनसाइड द रेक्टेंगल, जितने सारे भी प्रोसेसेस होंगे वो सर्कल के अंदर डॉट से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ए रिसोर्सेज कैन हैव द मोर देन वन इंस्टेंस, एक रिसोर्स के एक से अधिक इंस्टेंस हो सकते हैं। एक रिसोर्स है जैसे आर टू या आर वन एक रिसोर्स है, तो उसके अगर दो प्रोसेस कर रहे हैं, उसको वेट कर रहे हैं, दो ले रहे हैं, तो उसको दो इंस्टेंस हो जाएंगे। और ये जो इंस्टेंस होते हैं उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। द एजेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और ऑल्सो टू टाइप, हमने अभी बात किया था कि यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के होंगे, वर्टाइसेस और एजेस। तो यहाँ पर हमारा जो पिछला था, ये जो रिसोर्सेस होंगे वो रिसोर्सेस जो होंगे ये ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट होंगे। सिंगल इंस्टेंस तो सिंगल डॉट, मल्टीपल इंस्टेंस है तो मल्टीपल डॉट। तो हमने कहा था कि ए रिसोर्स कैन हैव मोर देन वन इंस्टेंस, ईच इंस्टेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट इनसाइड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा रिसोर्सेस को। उसके बाद हम आते हैं एजेस की तरफ, वो वर्टाइसेस। अब एजेस भी दो प्रकार के होंगे, कौन कौन सा होगा, एक असाइन एजेस और दूसरा होगा रिक्वेस्ट एजेस। एजेस वन रिप्रेजेंट द असाइनमेंट एंड अदर रिप्रेजेंट द वेट फॉर ए प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेस। जो असाइन एजेस है वो रिसोर्स असाइन करने का काम करेगा, और जो रिक्वेस्ट एजेस है वो बदलाएगा वेट फॉर ए प्रोसेस के लिए रिसोर्स वेट फॉर ए प्रोसेस फॉर ए रिसोर्स, प्रोसेस को रिसोर्स के लिए वेट करना होगा। यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं और कंसीडर यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा डेडलॉक की सिचुएशन जब उत्पन्न होती है तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है जिसे हम समझ सकते हैं किस प्रकार से निर्मित होती है। तो यहां पर देखिए हम कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर हमारे पास प्रोसेस तीन है और रिसोर्सेस दो है। तो लेट्स कंसीडर प्रोसेस P1, P2 एंड P3। हमारे पास तीन है, P1, P2, P3, तीन प्रोसेसेस है और दो रिसोर्सेस है R1 एंड R2। द रिसोर्स आर हैविंग द वन इंस्टेंस ऑफ ईच, रिसोर्सेस के पास केवल और केवल एक एक इंस्टेंस है, यहाँ पर मल्टीपल इंस्टेंस नहीं है रिसोर्स के पास। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ के अनुसार देखते हैं, R1 इज बींग यूज फॉर द P1। R1 किसका यूज कर रहा है, P1 का यूज कर रहा है। P2 होल्डिंग द R2, P1 किसको होल्ड कर रखा है, R2 को होल्ड कर रखा है एंड वेट फॉर द P2, और किसका वेट कर रहा है, P2 इज वेट फॉर द R1, और किसका वेट कर रहा है, R1 का वेट कर रहा है। इसी प्रकार से प्रोसेस P3 इज वेटिंग R1 एज वेल एज R2। द ग्राफ इज डेडलॉक फ्री सिंस द साइकिल ऑफ द इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म द ग्राफ। यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये डेडलॉक फ्री है, क्यों, क्योंकि साइक्लिक नहीं बन रही, सर्कल नहीं बन रहा है। यहाँ पर जो प्रोसेस P1 है वो किस प्रकार से है,
R1 को एलोकेट कर रहा है प्रोसेस, P2 जो है वो असाइंड है R2 उसके लिए प्रोसेस और वो डिमांड कर रहा है R1 का, इसी प्रकार P3 जो है R1 का डिमांड कर रहा है और R2 का डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पर साइक्लिक जो बढ़ रही है, नो साइक्लिक इज बिंग इन्फॉर्म इन द ग्राफ, इस ग्राफ में कोई भी साइक्लिक नहीं बना, इसलिए ये क्या है, डेडलॉक फ्री है, क्योंकि डेडलॉक के लिए 4 जो नेसेसरी कंडीशन है उसका होना जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो वो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस डेडलॉक में नहीं है। तो इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से डेडलॉक, कोई भी प्रोसेस कब डेडलॉक में होगा और कब नहीं होगा। तो हमने ये देखा सिंगल इंस्टेंस का, अब हम देखते हैं एग्जांपल मल्टीपल इंस्टेंस के लिए। पहला जो हमारा जो देखा, हमने कहा कि एक रिसोर्स पर एक से अधिक इंस्टेंस हो सकते हैं और उसे डॉटेड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है रिसोर्स के अंदर में। तो अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा वो सिंगल रिसोर्स सिंगल इंस्टेंस के लिए, अब देखते हैं मल्टीपल इंस्टेंस के लिए, जहां पर हमारे पास 3 प्रोसेस है P1 P2 और P3। रिसोर्सेज भी हमारे पास यहाँ पर है R1 R2 R3, लेकिन यहाँ पर देखिए R2 के पास 2 इंस्टेंस है और एक और है R4, लेकिन वो R4 अभी फिलहाल यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए P1 जो है ये क्या कर रहा है, P1 जो है असाइन हुआ है प्रोसेस P1 के लिए, कौन सा रिसोर्स असाइन हुआ है भाई, P1 के लिए रिसोर्स असाइन हो गया है R1, P1 के लिए रिसोर्स R1 असाइन हुआ है और वो वेट कर रहा है R2 का। इसी प्रकार जो P2 है वो किसको होल्ड करके रखा है, R2 को, और किसका वेट कर रहा है भाई, R1 का। इसी प्रकार प्रोसेस जो P3 है वो वेट कर रहा है किसका, R3 का वेट कर रहा है। ये ग्राफ में किसी प्रकार से कोई साइक्लिक नहीं बना। अगर ये P3 आल्सो डिमांडेड द R1, अगर होता कि P3 प्रोसेस जो है R3 का डिमांड करता, तब की कंडीशन में क्या हो जाता, यह डेडलॉक की स्थिति निर्मित हो जाती। परंतु यहां पर देखिए प्रोसेस P3 के लिए किसकी जरूरत है, R3 का, प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, R3 रिलीज हो गया, R3 रिलीज होने के बाद प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट हो, प्रोसेस P2, फिर प्रोसेस P2 के बाद R1, क्योंकि R2 के पास दो दो इंस्टेंस है, वो P1 के लिए भी यूज हो रहा है और P2 के लिए भी यूज हो रहा है। तो यहां पर मल्टीपल इंस्टेंस की हमने एक एग्जांपल देखा, जो प्रीवियस एग्जांपल था वो सिंगल इंस्टेंस का था, ये किसका है, मल्टीपल इंस्टेंस की सिचुएशन है। तो यहां पर साइक्लिक ना बनने के कारण कोई भी जो है डेडलॉक की सिचुएशन उत्पन्न नहीं हो पा रही है। अब देखते हैं कि यहां पर डेडलॉक की सिचुएशन कैसे उत्पन्न होगी, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर P3 जो है वो डिमांड कर देता है किसका, रिसोर्स R2 का, रिसोर्स R2 के पास दो इंस्टेंस था, एक P1 में चला गया था, एक प्रोसेस P2 में चला गया था, अब उसके पास कोई भी इंस्टेंस नहीं है। अब इन दैट सिचुएशन प्रोसेस P3 डिमांड टू द रिसोर्स R2, ऐसे सिचुएशन में प्रोसेस P3 रिसोर्स R2 का डिमांड करता है, तो यहां पर क्या बन गया, साइक्लिक बन गया, सर्कल बन गया, और साइक्लिक बनने के कारण यह जो है अब किस में चला गया, डेडलॉक की सिचुएशन में चला गया। तो हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस जो है वो डेडलॉक की सिचुएशन में है और कौन सा डेडलॉक की सिचुएशन में नहीं है। यहां पर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद डेडलॉक सिचुएशन, यहां पर यह किस में है, डेडलॉक की कंडीशन पर है, डेडलॉक की कंडीशन पर है, क्योंकि सिंगल इंस्टेंस ही एलोकेट होना चाहिए था, म्यूचुअल एग्जीक्यूशन भी आ गया, यहाँ पर मल्टीपल आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बन गया, डेडलॉक की सिचुएशन उत्पन्न हो गई। इसके पश्चात देखते हैं ए रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ विद साइकिल बट नो डेडलॉक, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देखते हैं जिसमें ये साइकिल तो बन रहा है परंतु डेडलॉक की सिचुएशन नहीं बनी। क्यों, P1 जो है R1 R2 को दोनों के लिए हो रहा है, P1 जो है के लिए R1 एलोकेटेड है, वेट कर रहा है R2 का, क्योंकि R1 में भी दो इंस्टेंस हो गया और R2 में भी दो इंस्टेंस हो गया। यहाँ पर देखिए प्रोसेस P2 के लिए कौन सा असाइन है भाई, रिसोर्स R1 का अनदर जो इंस्टेंस है वो असाइंड है। अब जो प्रोसेस P3 है, ये प्रोसेस P3 डिमांड कर रहा है किसका, R2 का, प्रोसेस P3 आर
टू का डिमांड तो कर रहा है और एलोकेटेड किसे पी थ्री के लिए, और प्रोसेस पी फोर इंडिविजुअल इसका अलग इंस्टेंस है उसको ले रहा है। यहाँ पर साइक्लिक तो बना कौन सा, पी वन पी थ्री का, पी वन और प्रोसेस पी वन और पी थ्री का साइक्लिक तो बना, परंतु डेडलॉक की सिचुएशन निर्मित नहीं हो पाई क्योंकि प्रोसेस पी फोर के लिए अलग सा रिसोर्स एलोकेटेड है, अलग इंस्टेंस एलोकेटेड है रिसोर्स का। अगर प्रोसेस पी फोर एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये फ्री हो जाएगा, और फ्री होते ही ये रिसोर्स किसको मिल जाएगा, प्रोसेस पी थ्री को मिल जाएगा, और प्रोसेस पी थ्री के लिए आर वन ने अलग ही इंस्टेंस एलोकेट करके रखा है तो प्रोसेस पी थ्री एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रोसेस पी टू के लिए अलग ही एग्जीक्यूटेड है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आर वन जो है यहाँ से एलोकेटेड था पी वन के लिए, तो यहाँ पर जो है आर वन भी फ्री हो जाएगा और पी वन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि साइक्लिक तो बना परंतु डेडलॉक की सिचुएशन नहीं बने। इफ रिसोर्स कैटेगरी कंटेन मोर देन वन इंस्टेंस देन प्रेजेंट ऑफ ए साइकिल इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इंडिकेट इट इज पॉसिबल पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक बट डज नॉट गारंटी वन। पॉसिबिलिटी होती है डेडलॉक की परंतु गारंटी नहीं कह सकते कि साइक्लिक बना मतलब वो डेडलॉक की सिचुएशन में उत्पन्न हो जाएगी। तो आज के इंटायर डिस्कशन में हमने देखा पूरे लेक्चर में कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस डेडलॉक में है कि नहीं है। इसके लिए हमने प्रोसेस और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का सहायता लिया, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से हमने समझने की कोशिश किया। थैंक यू।